9 अगस्त 2023 जल्दी से बोलूंगा मैं। 1925 राजेश काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन रॉबरी भी बोलते हैं, जिसे आपने इतिहास में हम सब ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा क्योंकि स्कूल्स में ही पढ़ाया जाता है ये। बिल्कुल राजेश, आज के दिन ये रॉबरी हुई थी। क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में देखिए बड़े सुनहरी अक्षरों में लिखा गया, इसने नई दिशा दी थी क्रांति को, है चार लोगों को इसमें, चार क्रांतिकारियों को फांसी पे झुला दिया गया था, जबकि अपराध उतना बड़ा था भी नहीं। राजेश बिल्कुल, हुआ क्या था, गाड़ी में खजाना आ रहा था और बहुत थोड़े से पैसे थे राजेश, 4500 रुपये के आसपास थे शायद। शाहजहाँपुर से लखनऊ आ रही थी ये ट्रेन, काकोरी में रोक ली गई। काकोरी को अगर आप ऐसे समझें कि लखनऊ से ये 15 किलोमीटर उत्तर में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे इन्होंने चेन पुल करके इसको गाड़ी को रोक लिया और राजेश ये थैला लूट लिया जो कि गार्ड के डब्बे में रखा हुआ था। इन बिटवीन वैसे ही गोलियां चलाई जा रही थी, आप ये कहिए पैनिक फैलाने के लिए, क्रांतिकारी बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे, 15-20 थे ये। एक कोई वकील साहब थे, वो अपने डिब्बे से निकल के ऐसे उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी दूसरे डिब्बे में है, मैं वहां चल के देखता हूं, तो उनकी मृत्यु हो गई थी बीच में। और ये पर लेकिन इन पे जो अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि उनको लगा था कि अब क्रांतिकारी काबू में आए हैं, तो चार लोगों को है ना, रामप्रसाद बिस्मिल साहब भी थे इसमें, लाहिरी जी भी थे है ना जी, रोशन सिंह जी थे, अशफाक उल्लाह जी थे, इनको फिर फांसी दे दी गई थी। बाकियों कईयों को काला पानी की सजा हुई, कईयों को कुछ और। तो आज के दिन काकोरी कांड हुआ था 1945, सेकंड वर्ल्ड वॉर था राजेश। हिरोशिमा पर बम गिराए हुए, पहला एटम बम गिराए हुए जो है ना, 3 दिन हो चुके थे, जापान घुटने टेकने को तैयार नहीं था, अमेरिका को लगा था एक बम काफी है, नहीं जापान के जो लिटिल बॉय, तो जापान के जो सम्राट थे उनको सलाह दी गई कि नहीं महाराज अमेरिका क्या कर लेगा और हम अभी लड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो अमेरिका ने राजेश वैसे तो प्लान बनाया हुआ था कि 11 अगस्त को अगला बॉम्ब गिराएंगे हम, और वो गिराएंगे एक शहर जो था वो दूसरा था ये, जिसपे मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने कहीं ये लिखा है, मेरी नजर पड़ जाती है राजेश, बम वहां पे गिराना था इन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि देखिए रास्ते उस दिन ये पता चला कि एक तो 11 दिन 5 दिन का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी, और दूसरा कहा गया कि मौसम ख़राब हो रहा है, जापान के ऊपर बादल आ रहे हैं, तो समय पे जहाज़ों में इतना इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, बिल्कुल बिल्कुल है ना, एवियोनिक्स वैसी नहीं थे। तो राजेश आज का दिन चुना जाता है 9 अगस्त का, और फिर दो शहर रखे जाते हैं कि किसी एक में काकोरा था जी, वो कि काकोरा पर गिराना है। आज के दिन भी प्लेन जो उड़े थे वो काकोरा के लिए ही उड़े थे, लेकिन काकोरा के एरिया में देखिए वहाँ पे क्या था कि काकोरा जो सिटी है एक जापान की, वहाँ पे एक तो पहले आसपास लड़ाई हो रखी थी तो धुआं उठ रहा था, और वहां के लोगों को भी अंदेशा था कि कहीं काकोरा पे कुछ ना हो जाए, तो लोगों ने वहां पे नीचे एक कोल टायर होती है ना जी, तारकोल जो सड़कों पे बिछाते हैं, उसको आग लगा दी थी। उससे क्या हो रहा था कि धुआं था, और प्लेन्स को तब नहीं दिखता, रडार वगैरह सिस्टम ऐसा नहीं होता था जी, और प्लेन में इनमें ईंधन भी खत्म होता जा रहा था, जो B-29 बमबर्षक था इनका। तो फिर इन्होंने नागासाकी सामने दिखा और वहां पे मौसम भी ठीक था, इन्होंने बोला यहीं गिराते हैं। राजेश 11 बजकर देखिए सुबह 2:45 पर तड़के ये तिनियान आइलैंड है जहां से उड़े थे जे, गुआम के पास से, और ये 11:01 फिर थक हार के उन्होंने कैलकुलेशन की कि अब वापस पहुंच जाएंगे, अगर नहीं भी पहुंचे तो फिर नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। 11:01 पे एक बॉम्ब गिराया गया, 47 सेकंड्स के बाद ये नागासाकी के ऊपर फटता है राजेश, बूम बहुत जोर से, 5 किलोग्राम प्लूटोनियम, इसमें शुद्ध प्लूटोनियम यूज़ किया गया था, पहले में यूरेनियम था इसमें प्लूटोनियम था, उसका नाम था फैट बॉय, और जो इस बॉम्ब गिराने वाले जो पायलट थे राजेश वो थे मेजर चार्ल्स स्वीटनी, और वो मैंने आपको बताया था कि कर्नल जो थे वो टिबेट्स थे, ये मेजर चार्ल्स स्वीटनी थे। फिर राजेश हुआ क्या, 40,000 लोग तुरंत मरे और 60,000 से अधिक जख्मी हुए, वो भी मरे, बहुत बड़ा ये मानव था। इसके बाद पर सरेंडर कर दिया था जापान ने, हालांकि इन्होंने इसके बाद राजेश आपको पता है एक बॉम्ब और रखा था अगस्त के लिए ही, और 3 रखे थे फिर अक्टूबर के लिए अमेरिका ने कि अगर जापान नहीं मानता है, हालांकि वो सारे के सारे ये फैट मैन वाले थे, मतलब प्लूटोनियम आधारित थे, क्योंकि दूसरा बॉम्ब एक ही बन पाया था, वो थोड़ा ज़्यादा वो था, और उसको दिसंबर तक तैयार होना था अगला, तो ये सारा प्लान था, पर नहीं जरूर पड़ी। 1173 हमने जब भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड हम पढ़ते हैं तो एक हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा सफेद सी इमारत गोल सी झुकी हुई देखते हैं ना हम राइट साइड को राजेश, वो आज के दिन 1173 में पीसा में इसका निर्माण शुरू हुआ था। पीसा कहाँ है, इटली का एक शहर है, तो इटली में है जी। बड़ी बात क्या थी राजेश इसकी, ये क्यों चर्चा में, कि ये बनने के बाद न्यू से 5.5 डिग्री जो था वो एक साइड को झुक गया था, परपेंडिकुलर से ये 5.5 डिग्री झुका हुआ था, और ये झुकाव पता कितना राजेश, 15 फुट झुकाव था। अगर आप न्यू से ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं और ऐसे इसका एक एंगल देखते हैं तो 5.5 डिग्री था। बाद में अभी थोड़ा समय पहले वहाँ पर रिस्टोरेशन चली, फिर इसकी न्यू को ठीक किया गया, तो फिर थोड़ा कम होकर अब 4 डिग्री बचा है राजेश। ये आज का इतिहास।